घरेलू मामलात में आप देखें, एक चीज जो हमारे यहाँ बहुत राइज है वो है लाइट बिल का लेट पेमेंट। छोटी सी चीज है लेकिन अगर आदमी उसमें थोड़ी सी सुस्ती करता है, लापरवाही करता है, तो अगले महीने में वो चढ़ के आ जाता है और आदमी उसमें फंस जाता है। ये मामला सिर्फ ऐसा नहीं गरीब लोगों का है, फकीर लोगों का है जिनके पास पैसा नहीं है, अच्छे खासे लोग जिनके पास पैसा है, सब कुछ है, महज टाल मटोल में अब लाइट का बिल भरते हैं, अब करते हैं, ऐसे कल कल में कैसे महीना निकल जाता पता नहीं। तो ये सुस्ती और यह लापरवाही आपको सूद की लालच से बचा नहीं सकती। आप ये नहीं कह सकते कि हमने तो जानबूझ के थोड़ी किया, सुस्ती होगी नहीं। तो ये वो शक्ल है सूद की जो घर घर में पाई जाती है और बिला वजह पाई जाती है, बंदा मजबूर भी नहीं, उसके पास पैसे हैं, सब कुछ है, लेकिन बस उसको फिक्र नहीं, उसको इतने इस बात का एहसास नहीं कि ऐसा करने से अल्लाह की लानत बरसे, क्योंकि किसी और ने लानत नहीं भेजी, नबी ने लानत भेजी, लअनल्लाह, अल्लाह की लानत हो सूद खाने वाले पर और खिलाने वाले पर, और जो लाइट का बिल लेट से भरता है ये सूद खिला रहा है, अल्लाह की लानत है उस पर। किसने कहा? नबी ने कहा। इसलिए इस चीज से हमें अपने आप को बचाना चाहिए, दूसरों को बचाना चाहिए, वक्त पर पेमेंट कर ले, बिला वजह सूद की लानत अपने सर पे सवार ना करें, वरना फिर दूसरे मामलात में उस लानत का असर दिखाई देगा। जब अल्लाह की लानत पड़ेगी तो घर के बहुत सारे मामलात बिगड़ते हुए नजर आएंगे और हमको पता ही नहीं इसकी वजह क्या है। तो नबी की लानत पड़ेगी तो क्या हाल होगा आप सोचो। तो ये एक पहली चीज है, ठीक है। ऐसे ही फायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ पर किताबो सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें, ताकि आपके लिए जरिया नजात, जन्नत के हुसूल का सबब, साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने। आमीन। जज़ाकअल्लाहु खैरन।